एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्श को जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय हैं और उनके दर पकड़ के लिए जो है मुहिम छेड़ दी गई है। लेकिन इस वक्त जो है खबर जो है अखनूर के कानाचक से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जी हाँ, तीन लोगों की संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखी गई और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तीन लोगों की खबर जो है पुलिस को दी गई कि उनकी स्पीशियस मूवमेंट जो है यहाँ पर देखी जा रही है और उसके बाद जो है पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, अन्य सुरक्षा बलों की बात करें, वो जो है हरकत में आए और पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जो है वो की जा रही है, बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई। और जिस तरह से कठुआ की घटना जो है हमारे सामने आई, उसके बाद डोडा की घटना सामने आई, आतंकवादियों के लिए जो है दर पकड़ के लिए जो है हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल, हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो समन्वय का जो है तालमेल का जो है परिचय दे रही हैं और जगह जगह जो है इलाकों को खंगाला जा रहा है, जगह जगह जो है नाकेबंदी की जा रही है, जगह जगह पर जो है इसी तरह से जो है अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकवादियों को जो है पकड़ा जा सके। फिलहाल कानाचक में जो है इस तरह की मूवमेंट चलाई गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया है और आतंकवादियों की खबर की जिस तरह से सूचना मिली और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसीज जो है वो हरकत में आई और पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है, सर्च ऑपरेशन की जा रही है।